everyone, this is Pika Awasthi. Welcome back to Reading Comprehension 4. Those who are new, they must know that this is session 4 is part of the 6-month course for CAT 2024 and daily classes होंगी जिसमें Monday, Wednesday, Friday हम करते हैं Reading Comprehension. Tuesday, Thursday we do verbal ability questions which includes para jumble, summary, odd one out, para completion. Weekends में हम करते हैं vocabulary and basic reading skills so आपकी reading improve हो और आपको hard level questions भी easy लगे. आज हम एक डेफिनेटली एक पैसेज करेंगे बट एक नई स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1, 2, 3 में नहीं देखी है. In every class I'm coming up with a passage at the same time I'm coming up with a new strategy. So आज की क्या स्ट्रैटेजी है? आज की स्ट्रैटेजी है फ्लो चार्ट टेक्निक. ये क्या होता है, कैसे ये ईजी होती है, कैसे ये चीज़ें ईजी कर देती है. सो स्टूडेंट्स पहले तो आपको याद होगा इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 मैंने हर पैराग्राफ में टॉपिक किया और उसका आर्ग्यूमेंट किया. अगर हमने ऐसे पैसेज समझे तो हमें पैसेज बहुत ही इजी लगने लगता है. जो लास्ट पैसेज भी हमें इजी लगा विच वॉज क्वाइट लेंथी एंड डिफिकल्ट बट व्हेन वी अप्लाइड दैट टेक्निक इन द लास्ट सेशन इजी लगा. सिमिलरली ये टेक्निक भी इक्वली इजी है टू फिगर आउट और टू वर्क अपॉन अ पैसेज. अगर आप इसको अप्लाई करते हैं दोनों में से विच एवर सूट्स यू आप उसको ट्राई कर सकते हो. अब ये कैसे एग्जैक्टली हम इसको फ्लोचार्ट टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे इन अ सर्टेन पैसेज ये हम सीखते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 करके कॉलम्स बना दिए हैं और इन कॉलम्स में क्या होगा. सो पहले लेट्स जस्ट टेक अ ब्रीफ लुक एट दिस पैसेज. लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज द टॉपिक, वॉट इज गोइंग ऑन. मे बी इफ यू वॉन्ट यू कैन पॉज फॉर अ मिनट, रीड द पैसेज एंड देन लिसन टू मी. So if you have paused and read the passage, this passage as you can see is quite difficult, especially for someone who finds science passages difficult. उसको तो definitely बहुत hard होगा. In general भी the language is not that easy, right? If you do not read such articles, such language on daily basis. So how do we tackle such difficult language and passages? तो चलो पहले तो main topic इस पूरे passage का समझ लेते हैं. Details हम बाद में समझेंगे क्या इस flow chart से details हम कैसे समझें. So देखो कुछ लाइन्स मैंने व्हाइट में हाईलाइट कर रखी है बिकॉज वो लाइन उस पूरे पैराग्राफ का मेन टॉपिक बता रही है. तो ये सारी चीज़ें मेन टॉपिक है. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ का मेन टॉपिक क्या है? दैट अंटिल रिसेंटली मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इन आर यूनिवर्स वॉज नियर परफेक्ट वैक्यूम. वैक्यूम मतलब नथिंग, मतलब गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस है उसमें कुछ भी नहीं है. ऐसा एक एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था, पर ये एक ऑर्थोडॉक्स व्यू, अभी पुराना व्यू और ये गलत है. इट इज़ नाउ चैलेंज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स हु बिलीव दैट कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्यूम हम नहीं बोल सकते हैं. देयर इज अ हैवी रेन ऑफ गैस इज फॉलिंग इनटू मेनी गैलेक्सीज फ्रॉम द सपोजिटली एम्प्टी स्पेस अराउंड दैम. तो एम्प्टी स्पेस जिसको हम बोल रहे हैं एम्प्टी नहीं है, वैक्यूम नहीं है, वहाँ पे गैस है जो कि गैलेक्सीज के अंदर आ रही है. ठीक है, कैसे आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं इंटरगैलेक्टिक रेनफॉल. मतलब गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस है वो खाली नहीं है, उसमें एक रेन ऑफ गैस है जो कि गैलेक्सीज में आती है. एंड दीज गैलेक्सीज हैज़ बीन इनफ, और क्योंकि ये धीरे धीरे लाइक ये जो मास आता है तो इन गैलेक्सीज का जो मास है वो डबल हो जाता है. राइट, जब बाहर से गैस आ रही है उससे स्टार्स बनते हैं तो डबल हो जाता है मास. एंड देन दे सम साइंटिस्ट ऑल्सो सस्पेक्ट कि ये जो गैस है ये शायद बिग बैंग जो हुआ था उससे फॉर्म हुई थी और उससे आ रही है. ठीक है, होगा ये सस्पेक्ट ही कर रहे हैं तो वो हमें बहुत श्योर पता नहीं है. बट बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट कि जो लोग सोचते थे कि वैक्यूम है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है. देयर इज अ रेनफॉल और रेन ऑफ गैस, राइट, कुछ मटेरियल कंटेंट है. ठीक है ना, इट इज़ वेल नोन मतलब ये साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई भी गैस जब वो कूल होती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है. तो एक फिजिस्ट है फेबियन, रीजन दैट एज इंटरगैलेक्टिक गैस कूल्स द कूलर गैस श्रिंक्स. मतलब जैसी गैस कूल होगी वो गैस श्रिंक हो जाएगी इनवर्ड टूवर्ड्स दिस, वो सेंटर में गैलेक्सी का जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ये गैलेक्सी है तो जब गैस हॉट होगी तो बाहर रहेगी, जैसी कूल होती रहेगी वो अंदर इनवर्ड सेंटर में आती है. तो अंदर कूल गैस हो गई, बाहर हॉट गैस हो गई. ना मीनवाइल इट इज टेकन, तो बाहर की जब ये गैस है तो ये जगह ये स्पेस किसने ले लिया? ये हॉट रेंट जो दूसरी आसपास की जो गैसेस होंगी फ्रॉम द फार्दर आउट ऑन दी एज वो ये वाली इधर पे आ जाएगी. फिर ये कूल होगी तो ये अंदर आ जाएगी, ये जो हॉट गैस इधर आएगी फिर कूल होकर अंदर चली जाएगी. दैट्स हाउ इट विल कंप्रेस एंड फ्लोज इनटू द गैलेक्सी. द नेट रिजल्ट इज अ कंटिन्यूअसली गैस इज फ्लोइंग इनटू द गैलेक्सी फ्रॉम आउटसाइड, ठंडे होके और कूल होके इट इज फ्लोइंग इनसाइड, राइट. एंड देन इसको इस ड्रिजल ऑफ कूल गैस, जो कूल गैस धीरे धीरे अंदर आ रही है इसको हम बोलते हैं कूलिंग फ्लो, विच फॉल्स इनटू द गैलेक्सी के सेंटर में आ जाती है. ठीक है, अब ये दो पैराग्राफ हमने पढ़े, इस दो पैराग्राफ का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो पैराग्राफ 1 में हमने इन शॉर्ट क्या समझा है, एक इंटरगैलेक्टिक रेनफॉल के बारे में हमने पढ़ा। वो क्या होता है कि हेवी रेन ऑफ गैस फॉल इनटू गैलेक्सी फ्रॉम स्पेस अराउंड इट। क्या हम बोले खाली वैक्यूम नहीं है कि हेवी रेनफॉल ऑफ गैस है जो कि गैलेक्सी के अंदर धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे कैसे आ रहा है, पैराग्राफ 2 में बोले कूलिंग फ्लो हो रहा है। कूलिंग फ्लो एज इन जो गैस है वो कूल होती है फिर अंदर आती है, ऐसे अपने आप नहीं आ जाती है। और जो हॉट गैस है वो आउटसाइड रहती है, एज पे रहती है, अगेन वो कूल होती है एंड देन इट फ्लोज इनटू द गैलेक्सी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। पर क्या ये डेफिनेटली सही है, क्योंकि ये तो चैलेंज करके किसी ने बोला था। तो फेयरली हेरेटिकल, हेरेटिकल मीन्स ये जो अगेंस्ट का ये रिबेल आइडिया, हेरेटिकल मींस समवन हु इज वेरी अगेंस्ट सोसाइटी, अ रिबेल। तो ये जो थ्योरी थी फेबियन की कूलिंग फ्लो थ्योरी, कूल होके वैक्यूम नहीं, कूल होके धीरे धीरे गैस गैलेक्सी के अंदर आ रही है, इसको सपोर्ट कब मिला, इसको सपोर्ट मिला जब फेबियन ने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इन दिस कॉन्स्टलेशन पर्सियस एंड फाउंड द सेंटर। उसने क्या, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन डजंट मैटर प्रॉपर नाउ, इसका नाम है एनजीसी 1275। यहाँ पे उसने क्या ऑब्जर्व किया, सो 1970 में फाइनली इस पर्टिकुलर थ्योरी जो हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ी है कूलिंग फ्लो थ्योरी, उसको सपोर्ट मिला। क्यों मिला, ही ऑब्जर्व सम स्ट्रेंज लुकिंग ऑब्जेक्ट विथ इरेगुलर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ गैस रेडिएटिंग फ्रॉम इट। मतलब उसने देखो एक ऐसी कोई गैलेक्सी देखी, समझ लो एक गैलेक्सी है, उसमें से कुछ थिन स्ट्रैंड्स उसमें से एमिट फ्रॉम इट, मतलब बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो अभी तो हमने ये बात, ये कूल होके गैस अंदर की तरफ धीरे धीरे आती चली जा रही, कूलिंग फ्लो इनटू द गैलेक्सी। तो ये बाहर की तरफ फिर क्या जा रहा है, इजंट इट। तो कहीं पे किसी ने बोला कि इस गैलेक्सी से बाहर कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ गैस इज गोइंग आउट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्पेक्यूलेशन दीज स्ट्रैंड्स वर गैसेज दैट हैड बीन ब्लोन आउट बाय एन एक्सप्लोजन बाय इन द गैलेक्सी। गैलेक्सी में तो कोई एक्सप्लोजन हुआ था, तो किसी प्रीवियस थ्योरी ने बोला था कि वही गैस धीरे धीरे इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम इट। बट देन फेबियन ने क्या बोला, उसने डिसएग्री किया कि नहीं, दिस इज नॉट, ये तो जो मैंने बोला था वो वही सही, कूलिंग फ्लो ही हो रहा है, गैस इज गोइंग इन साइड ओनली, बाहर कुछ नहीं आ रहा है। बाहर जो आ रहा है वो बोल रहा है वो विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट क्यों है, गैस है, लाइट एमिट हो रही, तो वो लाइट आपको आती हुई दिख रही है जो फोटोग्राफ्स में आपको दिख रहा है, दैट्स नॉट गैस। सो ही डिसएग्री एंड ही एक्सप्लेन्ड कि द स्ट्रैंड्स ऑफ गैस रेडिएटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइट एनजी 1275 आर विजिबल इन ऑप्टिक्स। तो फोटोग्राफ से दिख तो रहा है कुछ गैलेक्सी से बाहर निकल के आ रहा है। तो उसने ये समझाया कि देखो जब गैस कूल होती है राइट, जब तो उसकी रेडिएशन, वो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन चेंज होती है। रेडिएशन से कौन सी निकलती है, एक्सरे निकलती है, विजिबल जो भी निकलती है। जब कूल होती है तो एक्सरे नहीं, विजिबल लाइट निकलती है। तो अब कोई भी चीज़ से तो जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है निकलता हुआ गैलेक्सी से बाहर, वो लाइट है, गैस तो अंदर की तरफ ही जा रही है राइट। तो फेबियन ने बोला जो थ्योरी है वही सही है, जो हमने ऊपर सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस की थी वही है, जो उल्टा नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट विजिबल लाइट। इस फेबियन की इस थ्योरी को एक दूसरा पर्सन था कैनिजेर्स, उसने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। उसने थोड़ा और नंबर दिया कि येस आप देखो कि जो भी मोस्ट ऑफ द गैस इन द पर्सियस क्लस्टर वॉज एट टेम्परेचर ऑफ 80 मिलियन डिग्रीज केल्विन, वेर एज अ गैस इमीडिएटली सराउंड, जो अंदर गैस है वो इतने केल्विन की है, मतलब बहुत ठंडी गैस है। वेर एज जो सराउंडिंग बाहर की इट इज 1/10 ऑफ दिस टेम्परेचर, थोड़ी हॉट गैस है, मतलब कम केल्विन की है, मतलब हॉट गैस है राइट। केल्विन हम यूजली जितनी ठंडी होती है, जितनी कूल गैस है उसको उससे हम मेजर करते हैं। तो उसने एक मेजरमेंट दिया, डेटा दिया है, जिसकी वजह से हम ये जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में, एक और पर्सन है कैनिजर जो उसको सपोर्ट कर रहा है विद सम मोर डेटा। सो थर्ड एंड पैराग्राफ 3 टॉक्स अबाउट कूलिंग फ्लो थ्योरी ने कैसे गेन किया सपोर्ट, कैसे किया, विथ एन एग्जाम्पल। कोई एक ये गैलेक्सी थी, सॉरी कॉन्स्टलेशन था एनजीसी 1275, जिसमें कि स्ट्रेंज लुकिंग इरेगुलर थिन स्ट्रैंड्स मिले थे राइट, रेडिएट कर रहे थे। और उसने बोला कि भाई जब ये कंडेंस होता है तो उससे विजिबल लाइट निकलती है, वेवलेंथ की जो लाइट जो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो चेंज होती है एंड दैट इज विजिबल लाइट, इट्स नॉट गैस। गैस तो अंदर ही कूल होके जा रही है गैलेक्सी के राइट। और लास्ट में कैनिजर्स ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया विद सम डेटा, ठीक है। आई थिंक वी हैव रियली अंडरस्टूड द पैसेज वेल। This passage generally, like I've taken this passage in previous classes and students find it hard. But मेरे ख्याल से इस तरह से अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाए तो ये काफ़ी easy हो जाएगा। मुझे पता है हर पैराग्राफ में क्या है, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है I can quickly come back। ना अपना पहला क्वेश्चन तो है प्राइमरी पर्पज ऑफ दी पैसेज राइट। तो अभी हमें समझ आ गया है तो मे बी वी कैन सॉल्व इट। पर अगर आपको लगता है पूरा पैसेज अभी मुझे ठीक से समझ नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लो और फिर लास्ट में 1 पे आ जाओ। आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो। Now the primary purpose of the passage is to, right? Overall passage का purpose क्या है? So passage का purpose, let's read. Illustrate का मतलब होता है example. So are we illustrating a hypothesis about the origin of galaxies की एक theory कैसे galaxies आई या बनी है? ये galaxies तो हैं, मतलब उसमें क्या है, पर कैसे और ज़्यादा उसका मास डबल हो जाता है. गैलेक्सीज है, उसके आसपास जो भी गैस है उसके अंदर आती है. और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरगैलेक्टिक रेनफॉल होता है और वो उसका मास डबल. तो कैसे गैलेक्सीज और बड़ी होती चली जाती हैं, ग्रो होती चली जाती है, हम ये बात कर रहे हैं, राइट. सो प्रोवाइड एविडेंस टू डिस्प्यूट एन एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन. इज एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ. गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व होती हैं और बढ़ती है, ग्रो होती है वो. और पहले जो एक थ्योरी थी उसको हमने इस दूसरी थ्योरी से चैलेंज किया गया, उससे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो येस, वी आर डेफिनेटली डिस्प्यूटिंग विद अ न्यू थ्योरी, एक्सेप्टेड थ्योरी विच इज दिस. तो 2 हो सकता है अपना आंसर. Summarize the state of and prospects for research into intergalactic astronomy. Intergalactic हम क्या बात कर रहे हैं, रेनफॉल. फर्स्ट पैराग्राफ में जाओ, नॉट एस्ट्रोनॉमी. सुनो, रिपोर्ट न्यू डेटा ऑन द ओरिजिन्स ऑफ द इंटरगैलेक्टिक गैस की. और न्यू डेटा क्या, न्यू डेटा डेफिनेटली है, पर सिर्फ लास्ट लाइन में है. सिर्फ लास्ट लाइन आपको ही बताएगी प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज. ओवरऑल टॉपिक क्या चल रहा है, ओवरऑल टॉपिक चल रहा है कि एक न्यू थ्योरी आई है जो पुरानी थ्योरी से बहुत डिफरेंट है. उसको चैलेंज किया है कि भाई वैक्यूम जैसा कुछ नहीं है, एक गैस है जो धीरे धीरे गैलेक्सी के अंदर जाती है और इससे गैलेक्सी का मास डबल होता है. इस तरह से गैलेक्सी और ग्रो करती है, isn't it? So 2, इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, कैसे वो इवॉल्व होती है एक न्यू थ्योरी से, ये हम बता रहे हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The author uses the phrase orthodox view of the universe to refer to the belief that. तो ऑर्थोडॉक्स व्यू लिखा है सेकेंड लाइन में. ऑर्थोडॉक्स पुराने जमाने का व्यू, तो ऑथर का इससे क्या मतलब है, ऑर्थोडॉक्स व्यू मीन्स व्हाट. सो फर्स्ट लाइन क्या था, ऑर्थोडॉक्स व्यू. एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज In our universe was a near perfect vacuum. Perfect vacuum मतलब कुछ भी नहीं है, nothing, no gas, no solid, no liquid, nothing. So let's read the option. The space between the galaxies is devoid of matter. मतलब कोई matter नहीं है, कह सकते हैं that is, it means क्या बोलते हैं, vacuum है maybe, right? Yes. द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज ऑक्यूपाइड बाय स्टार्स, उसमें नहीं. वो ऑर्थोडॉक्स थ्योरी थी कि स्टार्स, वो बोल रहा है वैक्यूम है, कुछ नहीं है. दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया. फोटोग्राफ्स, नथिंग इज मेंशन्ड, दिस इज आउटर स्कोप. गैलेक्सीज हैव डिक्रीज्ड इन मास बाय हाफ सिंस देयर फॉर्मेशन. नो, दे इनफैक्ट गेटिंग डबल. यही तो अभी हमने पढ़ा, उनका मास डबल होता चला जा रहा है, इजंट इट दिस थिंग, राइट. आप देखो, मुझे लग रहा है 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. विल स्टिल रीड 4th, और उसके लिए आप ऑप्शन फर्स्ट लाइन रीड कर सकते हो. फर्स्ट लाइन इज द ऑर्थोडॉक्स व्यू. गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स ईच द साइज ऑफ जुपिटर विच फॉर्म क्लस्टर्स. गैलेक्सीज में ऑफकोर्स स्टार्स होते हैं जो कि जुपिटर या उससे बड़े होते हैं, डेफिनेटली सारी चीजें. वो क्वेश्चन क्या पूछा, ऑर्थोडॉक्स व्यू का क्या मतलब है. ऑर्थोडॉक्स व्यू ये है कि ये जो दिस मतलब व्हाट, जो प्रीवियसली लिखा हुआ है, इजंट इट. जब बोलूँ कि दिस व्हाट आई, दिस इज वॉट आई सेड, तो पहले मैं बोलूँ कि दिस मतलब फर्स्ट लाइन पढ़ के सिर्फ मुझे आंसर फाइंड करना है. बाद में जो लिखा है वो सब आर नॉट द राइट लोकेशन. सो ऑप्शन ए और 1 इज द करेक्ट आंसर. यस, ठीक है. Now question number 3. It can be inferred from the passage that if Fabian is correct, gas in the peripheral regions of a galaxy cluster. अगर Fabian सही है तो gas in the peripheral region of a galaxy cluster, peripheral आसपास, अगर एक गैलेक्सी है तो उसके आसपास ही गैस कैसी होगी, इट विल बी हॉट और अंदर की कूल होगी, करेक्ट. कूल होके अंदर को जाएगी तो कैसी होगी, इट विल स्ट्रीम्स आउटवर्ड इनटू द गैलेक्सी. बाहर की तरफ निकल रही होगी, बाहर की तरफ तो नहीं निकल रही होगी, अंदर की तरफ जाएगी, राइट. तो ये तो गलत है. इज हॉटर देन गैस इन द सेंट्रल. सेंट्रल से तो हॉट होगी, सेंट्रल में जो होगी वो कूल होगी, तो ये हो सकता है, इसको रख लेते हैं. इज कंपोज प्राइमरीली ऑफ गैस लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग. की ये जो बाहर की, सिर्फ पेरीफेरल की नहीं, ओवरऑल जो गैस होती है इंटरगैलेक्टिक गैस, वो शायद बिग, अगेन वो एक सस्पेक्ट किया है, मतलब शायद वही है, हमें श्योर नहीं है. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डेफिनेटली हम इन्फर कर सकते हैं, ये श्योर है. तो ये इसलिए 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर. 4th, रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ अनयूजुअली लार्ज स्टार्स. अगेन क्वेश्चन की सिर्फ पेरिफेरल रीजन से स्टार्स नहीं बनते, वो तो गैलेक्सीज जो बाहर से आती है वो धीरे धीरे डबल कर देती है मास बाय मेकिंग सम अदर स्टार्स इन द यूनिवर्स। पर्टिकुलरली जो पेरिफेरल रीजन वाली गैस है वही स्टार्स बनाती है, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है। सो इट्स डेफिनेटली हॉट, ये तो हम बोल सकते हैं, राइट? कैसे हम बोल सकते हैं? आप इसके लिए ये सेकेंड पैराग्राफ ये लाइन रीड कर लो। द कूलर गैस श्रिंक्स इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, मीनवाइल इट्स प्लेस इज टेकन बाय हॉटर इंटरगैलेक्टिक गैस फ्रॉम फादर आउट इन दी एज ऑफ द गैलेक्सी, राइट? ये लाइन आपको हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर ऑफ द पैसेज प्रोबेबली मेंशंस कैनिज़ेर्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्डर टू मीन्स वाई। वो एग्जाम्पल क्यों गिवन है कि ये तो हम बोल ही रहे हैं ना, कूलिंग फ्लो थ्योरी को सपोर्ट मिल गया था, फिर एक और सपोर्ट की क्या जरूरत है लास्ट फ्यू लाइन्स में, कि उसने एक डेटा भी दे कि जो बाहर की जो इंटरनल सेंट्रल गैस है वो 18 मिलियन केल्विन है, वैसे बाहर की जो गैस है वो 1/10 ऑफ दिस टेम्परेचर। ये डेटा दिया है टू सपोर्ट फेबियंस कूलिंग फ्लो थ्योरी, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। सो इसका क्या पर्पस है? टू सपोर्ट। सो लेट्स सी, इज इट क्लैरिफाइंग एंड एम्बिग्यूटी? मतलब फेबियन के सच में कुछ क्लियर नहीं है तो ये क्लैरिफाई कर रहा है। एम्बिग्यूटी मतलब अनक्लियर करना, अनक्लियर चीज को क्लियर करना। सो ऐसा तो नहीं है, वो थ्योरी भी क्लियर ही है, ये जस्ट एक और डेटा है, प्लस एडिशनल डेटा है जो कि और सपोर्ट कर रहा है। इलस्ट्रेट अ जनरलाइजेशन अबाउट द टेम्परेचर, दिस नॉट अ जनरलाइजेशन। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द फेबियन assertion अबाउट द परसियस गैलेक्सीज, क्या ये सपोर्ट दे रहा है? यस, फेबियन की assertion को सपोर्ट कर रहा है। थर्ड, इंट्रोड्यूस न्यू आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुराना व्यू था कि सिर्फ वैक्यूम है और कुछ नहीं है, उस चीज़ को सपोर्ट नहीं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये फेबियन की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, it can be inferred that from the passage that which of the following is true of Fabian's theory। Fabian's की theory के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? So Fabian ने कुछ second paragraph में बोला है, कुछ एक example देके, इस constellation का NGC 1275 का example देके अपनी बात को support किया है। So what we can understand from this that देखो हम क्या इधर पे clear लिखा है कि this idea in the 1970s, बोल तो वो पहले चुका था बट 1970 में उसकी इस थ्योरी को सपोर्ट मिला जब उसने इस एग्जाम्पल से इस चीज को फिर से समझाया। सो इट डिड नॉट रिसीव अप्रूवल अंटिल कैनिज़र्स वर्क, जब तक कैनिज़र ने सपोर्ट तब तक उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है, उसकी बात को 1970 में सपोर्ट मिल गया था, फिर 1982 में कैनिज़र ने फिर से एक थ्योरी निकाली जिससे फिर से सपोर्ट मिला, तो ये तो नहीं है। It was not widely accepted in the 1970s. Yes, until 1970s नहीं हुआ था, उसके बाद उसको सपोर्ट मिला, राइट? So can we say that कि हाँ ये until 1970s तक नहीं हुआ। It did not receive support initially because technology was not available. Technology was available or not ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। It supports earlier speculation that intergalactic gas was largely the result of explosion outside the galaxy. No, explosion of Big Bang, supernova explosions, right? Not outside the galaxy. This portion is wrong. अगर आप last two lines read करते हो first para के, तो option 4th इसके basically opposite बोल रहा है। So yes, हम बोले कि 1970s के बाद इस चीज़ को support मिला, 1982 में Canizares determination से और further support किया। So 1970s में इतना accepted नहीं था, मतलब before this it was not accepted as such. Question number 6, according to the passage is always a direct and easy question, so let's read it carefully. Fabian's theory makes use of which of the following principle? Fabian की theory again clearly आप second paragraph first line में read कर सकते हो that when the gas is cooled at a constant pressure its volume, उसका volume decrease हो जाता है, right? Clear लिखा है, according to मतलब बिल्कुल सीधा साधा आंसर। और ये सेम चीज ऑप्शन 3 में लिखी है, if pressure remains constant, right? Constant pressure the volume of gas will decrease as it is cooled, so volume will decrease as the gas is cooled। बस words को थोड़ा आगे पीछे करते हैं, एकदम word match है, isn't it? तो जब भी according to होगा question will be this direct, ज़्यादा confusion की ज़रूरत ही नहीं है कि आप सारे option पढ़ो confuse हो। अगर आपने location ठीक से पढ़ लिया है तो आपको पता चलेगा चारों में से पढ़ना, तो of course you have to read all four options but you will exactly find what you read, nothing indirect or nothing I would say partially related to it, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. Yes, when you do inference questions like these, in order to questions like this, it can be difficult, but according to easy होते हैं, scoring होते हैं. तो make sure वो तो आपके definitely correct हो. So thank you so much everyone for joining this session. एक quick announcement है जो मैंने last class में भी की थी. अगर आप चाहते हो इन recorded sessions के अलावा मैं daily live sessions भी लूँ, daily live sessions for your practice on CAT topics like RC, Parajumble, Summary, तो please comment में live लिख दीजिए, right? अगर enough लोगों को live sessions चाहिए, फिर next month से हम first से 1 तारीख से हम live sessions भी start करेंगे. तो एक दिन में 2 classes आएंगी, एक recorded, इसमें theory plus एक passage को कैसे approach करना है सारी चीज़ें सिखाऊंगी, और live class में हम generally 2 से 3 passages solve किया करेंगे या 10-15 verbal ability question solve किया करेंगे. Yes, thank you so much everyone. Bye bye. Have a nice day. I'll meet you tomorrow at sharp 9:30 p.m.